जय हिंद दोस्तों। महिला सुरक्षा या महिला सुरक्षितता, इस विषय पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। यह वीडियो खास करके उन महिलाओं के लिए है जो सफर करके या ट्रैवल करके किसी, जिनको अकेले किसी होटल में रुकना पड़ता है या किसी रिसोर्ट में रुकना पड़ता है या कहो किसी लॉज में रुकना पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसे पर्सनल लाइफ में और ज्यादा करके प्रोफेशनल लाइफ में या जॉब में या बिजनेस में हमें कंपनी अकेले भेज देती है और हमें किसी न किसी मतलब अच्छे होटल में, रिसोर्ट में या लॉज में अकेले रुकना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये सब पॉइंट्स पुरुषों के लिए भी काम में आएंगे, जब आप फैमिली के साथ में जाते हो तभी भी काम में आएंगे, लेकिन खास करके जो महिलाएं हैं अकेली होटल में रहती है तो क्या क्या सुरक्षितता वो अपने लिए देख सकती है। पहले तो आप जिस दूसरे गांव में जा रहे हैं, यू मानो बंबई से नोएडा जा रहे, बेंगलोर से गुड़गांव जा रहे हैं या दिल्ली से आप हैदराबाद या बेंगलोर जा रहे, तो उस शहर में आपके पहचान के कौन कौन लोग हैं, उस शहर में आपके कोई रिश्तेदार है क्या, उनके आप नंबर्स लेके जाए, पहले ही निकालिए आप नंबर्स, और इवन उस शहर के जो पुलिस है उस पुलिस डिपार्टमेंट के भी आप नंबर्स पहले ही निकाल के आपके पास किसी डायरी में या किसी पेपर में आप रखिए। फिर आप जाते हो, ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी तो मैंने पहले वीडियो में भी रखा है, आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड हो, बिजनेस कार्ड हो जिसपे आपका ब्लड ग्रुप भी लिखा हो, या और उस पे ऐसा ही डॉक्यूमेंट रखे कि आपके रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर्स उसमें एक दो लोगों के तो हो इमरजेंसी के लिए। आजकल लोग आधार और पैन कार्ड भी रखते हैं, लेकिन खास करके पूरा नाम और एड्रेस और इमरजेंसी के लिए दूसरों के मोबाइल नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब दोस्तों, आप जिस होटल में, रिसोर्ट में, लॉज में रहने वाले हो, गेस्ट हाउस में रहने वाले हो, उसका आप रेप्यूटेशन, उसका नाम कैसा है वो पहले ही पता कर लीजिए। काफी सारे होटल्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ होटल्स पे कुछ अनैतिक चीजें या गलत चीजें भी चलती हैं। तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि उस होटल पे पुलिस की रेड पड़ जाए। मेरे सुनने में एक ऐसी घटना आई थी कि ऐसी एक महिला बिचारी किसी होटल में रुकी थी और बाजू में प्रोस्टिट्यूशन, जिसको वेश्या व्यवसाय या वेश्यावृत्ति कहते हैं, वो चल रहा था दुर्भाग्यवश, और वहां पे पुलिस की रेड पड़ी। तो ऑफ कोर्स उस महिला को कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको काफी सारी तकलीफ झेलनी पड़ी, बताना पड़ा कि मैं फलाना फलाना हूं, मैं इस काम से आई हूं। तो आप होटल का नाम कैसा है, जिसको इंग्लिश में रेपुटेशन कहते हैं, वह नाम अच्छा होना चाहिए। अब जब आपको होटल में रूम्स दी जाती है तो आप देखिए कि ऐसी कोई अकेली रूम आप ना लीजिए, जिसको इंग्लिश में आइसोलेटेड रूम, या बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं, वहां पे बिल्कुल कोने की रूम या चौथे माले की रूम जहां पे और रूम्स में कोई भी नहीं है, ऐसी रूम आप ना ले। अगर आपको होटल वाले दे भी तो आप उनसे विनती कीजिए, उनको आप फोर्सफुली कहिए कि मैं एक महिला हूं, मैं यहाँ पे अकेली रुकी हूं, तो कृपया मुझे रूम चेंज करके दीजिए। अगर आप आपके ऑफिस के काम से या कोई आपके फ्रेंड भी साथ में है या कलीग साथ में है, तो आप आजू बाजू की रूम मांगिए। ऐसा ना हो कि आपके कलीग को, आपके फ्रेंड को दूसरे माले पे रूम मिले और आपको तीसरे पे रूम मिले, या आप उसको उधर मिले और आपको इस तरफ मिले, ऐसे ना करके आप होटल वालों के रिक्वेस्ट करके आजू बाजू की रूम्स में आप शिफ्ट करवा के लीजिए, ताकि आपको कोई भी जरूरत पड़े, हो सकता है रात को किसी को कुछ तकलीफ हो, तबीयत का कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ट में दुखने लगे, तो आप इमरजेंसी बाजू वाले को एटलीस्ट दरवाजा तो आपके कलीग का बजा सकते हैं, फोन वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि होटल में कुछ शराबी लोगों का भी ग्रुप आ जाता है, हो सकता है बाजू के रूम में जोरदार पार्टी चलती हो, आपको पता है ड्रिंकिंग इंडिया में तो बढ़िया लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको काफी तकलीफ होगी, रात भर वो सोने नहीं देंगे, 5-5 बजे तक सुबह उनकी शराब की पार्टी जोरदार चालू रहेगी, म्यूजिक चालू रहेगा, हो सकता है उसमें से दो शराबी आके रात को 2 बजे आपका भी दरवाजा बजाने लगे। तो आप होटल वालों से विनती करके ऐसे शराबियों से, ऐसे बेवड़ों से आप रूम दूर कृपया मुझे आप चेंज करके रूम दीजिए, क्योंकि एक महिला है और ये मेरा अधिकार है, अगर आप मुझे सहकार्य नहीं करेंगे तो फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट ऐसा है कि अगर कुछ उस होटल में हो जाए, शॉर्ट सर्किट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, या आग लग जाए, फायर हो जाए, कोई अर्थ को एक भूचाल आ जाए, जलजला आ जाए, तो आपको इमरजेंसी एग्जिट उस होटल के कहाँ है
जहां से आप जल्दी भाग पाएंगे वो भी आप पहले ही देख लीजिए। तो आप चेक इन करने के पहले या चेक इन करने के बाद, मतलब रूम में आप चेक किया तो पहले जाके उनको पूछिए, भैया यहाँ का इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर एग्जिट्स कहाँ कहाँ पे है, भगवान ना करे कब बड़ी आग लग जाए। और इंडिया में तो हमारी जो प्रोसेसेस है, जो सिस्टम्स है, अभी तक बहुत ही होपलेस है, ना उनका ऑडिट होता है ना कुछ होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कहाँ से आपकी जान बचा के भागना है, लिफ्ट से भागना है या सीढ़ियों से भागना है, एलिवेटर से भागना है या और कोई एग्जिट्स है। फिर आप जब होटल में चेक किया तो आप पहले क्या देखिए, सारे जो दरवाजे है उनके लैचेस लगते हैं कि नहीं। कई बार लगते ही नहीं है हमको, हम मस्त पड़े रहते हैं शाम को 7 बजे तक और रात को 11 बजे सोते वक्त हमें पता चलता है कि इसका तो लैच ही नहीं है या इसके बाथरूम का लैच ही नहीं है अंदर से। सारी खिड़कियां ठीक से बंद होती है कि नहीं, लॉक होती है कि नहीं, फिर सारी खिड़कियों को पर्दे या कर्टन्स है कि नहीं। रात को हमको पता चलता है इसको तो कर्टन्स ही नहीं, बाजू की बिल्डिंग से, बाजू के रूम से मेरे रूम के अंदर का दिखता है, फिर मैं कपड़े कैसे चेंज करूंगी या करूंगा, तो कर्टन्स है कि नहीं, ये सब आप पहले ही चेक कर लीजिए। अगर नहीं है इसमें से कुछ तो आप होटल वालों से रिक्वेस्ट करके करवा के लीजिए, और ये आपका अधिकार है क्योंकि आप इतने बड़े पैसे देने वाले हैं उनको आपके स्टे के, तो आपको ये करके देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरकॉम होता है ना होटल में, हम रिसेप्शन से बात कर सकते हैं, हम रेस्टोरेंट से बात कर सकते हैं, जिस इंटरकॉम से मतलब फोन से, जो इंटरनली होटल का जो फोन का सिस्टम होता है, या वो हमें बाहर भी लगा के देते हैं फोन, कभी कभी डायरेक्ट डायल होता है, कभी कभी हमको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है 9 नंबर दबा के, भैया मेरे को मेरे घर में बॉम्बे में ये नंबर लगा के दो या हैदराबाद में लगा के दो। तो ये इंटरकॉम चल रहे कि नहीं, काफी सारे कभी कभी ये बंद पड़े होते हैं इंटरकॉम, तो आप उनसे तुरंत चालू करवा के लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर आपको रात को समझो 10 बजे लगता है कॉफी पीनी है, या आपको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप किसको बुलाएंगे अगर आप दौड़ नहीं सके तो, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप होटल में जाने के बाद पहले मैं ये चीज जो बोलता हूँ वो कीजिए, भले कुछ मत कीजिए, कहीं पे भी छुपा कैमरा लगाया है क्या? अब मैं होटलों को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, हजारों में नहीं 10,000 में ऐसी एक केस हो जाती है, और इसके लिए होटल वाले जिम्मेदार नहीं होते, कोई जो फालतू लोग होता है, कोई बाहर का आके लगा के जाता हो, या कोई स्टाफ में से एम्प्लॉयज में से हो, वो जिसको हिडन कैमरा बोलते, छोटा सा आजकल तो पेन में भी कैमरा मिलता है, या किसी बक्से के पीछे जो लॉफ्ट होता है ना, माला होता है, उसके पीछे रख देते हैं। तो आप जरूर चेक कीजिए, और खास करके बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में भी, जहां में हम लोग नहाते हैं, हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो आप पहले पूरा छान लीजिए टीवी के पीछे या कर्टन के पीछे, जैसे मैंने बोला लॉबी लॉफ्ट में कहीं हिडन कैमरा, छुपा हुआ कैमरा लगा है क्या, पेन कैमरा, जिससे आपकी तस्वीरें लेके बहुत उसका दुरुपयोग, मिसयूज करते हैं लोग, उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं, पोर्नोग्राफिक्स मतलब पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, मतलब जो गंदी वेबसाइट्स होती है ना, वो जो सेक्स की थर्ड क्लास, वहां पे डाल देते हैं, लोगों को नंबर के साथ डाल देते, तो जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसलिए आप याद रखो, इनफैक्ट ये तो आप शॉपिंग मॉल में भी आप जाते हो ना, कोई खरीदी करने के लिए जब आप ड्रेस लेते हो तो आप चेंजिंग रूम में जाते हो, तो चेंजिंग रूम में भी आप देखिए हिडन कैमरा है क्या, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हो किसी थिएटर में, वहां पे भी देखिए, या शॉपिंग मॉल में टॉयलेट में भी, कहीं किसी ने गलती से कैमरा लगा के रखा है क्या। सीधा कपड़े वपड़े हिला के देखिए, आपका अधिकार है, और अगर पकड़ा गया सीधा होटल वालों को बुलाओ, बोलो पुलिस को बुलाओ, ठीक है। फिर जब भी आपका काम होता है, तो अगर अनजान शहर में आप है तो ज्यादा करके आप होटल में जल्दी वापस आइए। जैसा आपका काम अगर 5:30 बजे तक शाम को होता है, भले आप किसी वहां से आपको ट्रैवल करने में 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, तो आप 7, शाम के 7:30, 8 बजे तक ज्यादातर होटल में वापस आए अनजान शहरों में। अगर आपके वहां पे दोस्त है या रिश्तेदार है तो बेझिझक आप रात को 10 बजे तक आइए, वो आपको कोई छोड़ने वाला है, आपको एस्कॉर्ट करने वाला है, तो आप भले ही रात की पार्टी कीजिए और 12 बजे भी आइए, अगर आपको सेफ्टी का है। लेकिन आप अगर अकेले है तो ज्यादा करके अनजान एरिया में या अनजान शहरों में आप जल्दी, मतलब सूर्यास्त होने के बाद 8-9 बजे के पहले ही वापस आ जाए। फिर जब हम ऐसे होटलों में जाते हैं, तो अगर महिला है तो आप क्या, ये जो रूम सर्विस के लिए आते हैं ना हमारे रूम में, आपको बेडशीट देते हैं, टॉवल या पानी देते हैं, या हाउसकीपिंग के लोग आते हैं जो साफ सफाई करते हैं, क्या आप विनती कर सकते हो कि मैं एक महिला हूं इसलिए मुझे फीमेल हाउसकीपिंग स्टाफ मिलेगा क्या, या जो रूम सर्विस है वो फीमेल या महिला ही मिलेगी क्या? ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आप पूछ के तो देखिए। कुछ होटल में नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप महिला हो, आपको रात में ड्रेस चेंज करके नाइट गाउन पहन के आप सोने वाली हो, और कोई मेल वेटर
या मेल होटल का स्टाफ डोर पे नॉक करता है, बोलता है मैडम पानी या मैडम बेडशीट चेंज करना है, तो आप क्या आपको सुरक्षित लगेगा या नहीं, ये आपको सोचना है, ठीक है। फिर जैसा मैंने कहा, ऐसे होटलों में भी जहाँ पे अनजान शहरों में आप अकेले हो, आप जो रात का खाना खाते हैं जिसको डिनर बोलते हैं, वो ज्यादा करके बाहर का भी ना खाए अगर अकेला हो, और होटल में भी खाए तो ज्यादा करके 10-10:30 के पहले ही खाए और आपके रूम में वापस आ जाए, अगर 9:30-10 तक आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, राइट। रात का रूम सर्विस भी आप अवॉइड कीजिए, आप पहले ही देख लीजिए आपके रूम में क्या नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है क्या। कोई कोई महाशय को रात को 11 बजे पता चलता है, होटल वालों को तो परवाह नहीं होती कभी कभी, लेकिन हमको भी याद आता है, अरे मुझे पानी नहीं मिला है, या मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे आइस चाहिए, या मुझे ब्लैंकेट चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा इस मेरे कमरे को कर्टन्स नहीं है, तो ये सब आप पहले ही करके वक्त में ही लाइए, 11 बजे रात को रिक्वेस्ट करके, कौन आएगा आपके रूम में, आपको सेफ लगेगा कि नहीं पता नहीं। आपको कभी कभी कॉफी भी लगती है रात को, तो आप देखिए रूम में लेना है या कॉफी शॉप, अच्छा होटल होगा तो कॉफी शॉप में जाके पीना है, ये सब आपके विवेक का इस्तेमाल कीजिए और आपकी सुरक्षितता का ध्यान जरूर रखिए। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, अभी तो मोबाइल्स आ गए, कुछ मोबाइल्स में ही लाइट काफी होता है, लेकिन पुराने जमाने में एक छोटी सी बैटरी हम लोग रखते थे, या टॉर्च जिसको कहते हैं ना, बैटरी लाइट, क्योंकि कब पता चले आपको पावर चली जाए, लाइट चला जाए, तो आपको बेड से उठने को भी, कुछ कुछ रूम्स में बाहर से भी लाइट नहीं आता है, इतना अंधेरा होता है कि हमको कुछ भी नहीं दिखता है, या ऐसे हो किसी ने दरवाजा बजाए, तो आप एटलीस्ट आपके साथ ट्रैवल में बैटरी तो लेके ही जाइए जब आप सफर में जाएंगे, लेकिन रात को सोते वक्त इस बैटरी को आपके बेड के बाजू में, हमारे सर के या तकिए के बाजू में रखिए, ताकि आपको तुरंत पता चलेगा अरे लाइट गए तो मेरे पास बैटरी है, और आप बैटरी लगा के देख सकते हो कहाँ पे दरवाजा है, कौन है बाहर, मुझे क्या करना है, टॉयलेट या बाथरूम कहाँ पे है, इस तरह से आप देखिए। तो सोते वक्त ही बैटरी पास में रखिए, और खास करके जो दरवाजा और एक होता है ना, जैसा कुछ होटल्स के रूम में जो टॉयलेट होता है, मतलब एक दरवाजे से हम अंदर आते हैं और दूसरा दरवाजा जो टॉयलेट उधर से भी बाहर जाने के लिए दरवाजा होता है, कभी कभी वो दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता है, और केरला में मैंने एक केस पढ़ी थी पेपर में कि वहां से 2 लोग आए टॉयलेट का दरवाजा खोल के, और इस बिचारी कंपनी की लड़की थी उसको दोनों गैंगरेप करके भाग भी गए, और वो बाहर के लोग थे, वो पकड़े भी नहीं गए, तो और वो कैमराज में भी ट्रेस नहीं हुए, तो इस तरह से आपको वो भी लैच बंद है कि नहीं देखना चाहिए। और फिर होटलों में आपको कभी कभी अनजान लोग मिलते हैं, तो ये आपका विवेक पे है, अब आप तो मैच्योर हो, लेकिन जो छोटी लड़कियां होती है, कोई बेचारी लड़की किसी एग्जाम के लिए गई हो 19 साल की हो, या कोई 20 साल की लड़की जॉब के इंटरव्यू के लिए गई हो और उसे अकेला रहना पड़े, तो हम किससे कितना बात करें, हम किससे दोस्ती बढ़ाए ना बढ़ाए, खैर ये तो हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन कभी कभी हमारा विवेक कम पड़ता है, किसको हम मोबाइल नंबर दे, किसको हमारा घर का एड्रेस दे, जैसे मैंने कहा है किसको ईमेल आईडी दे, ये सब आपको सावधानता रखनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा, स्टॉकिंग शुरू हो जाएगा, आपके प्रोफाइल्स लोग इंटरनेट से निकालते हैं, किसी पोर्नोग्राफिक साइट्स पे डालते हैं, तो इस तरह की अलग अलग चीजें हो सकती। और इस महिला सुरक्षितता का कहाँ का विषय हमारा, जब आप होटल में रुकते हैं, आखिरी पॉइंट जो है, आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कभी कभी आप लेके जाते हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी गवर्नमेंट के काम के लिए जाते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ आप लेके जाते हो, आप एक फोल्डर में रखते हो, तो आप उसको काफी संभाल के रखिए, आप लॉकर मांग लीजिए, आपका अधिकार है लॉकर मांगना, या आप बाहर जा रहे हो तो आप लेके जाइए, कभी कभी होटल के रूम से भी गलती से चोरी हो सकती है, और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, पासपोर्ट हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, लाइसेंसेस हो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, कभी चेकबुक होता है आपके पास तो वो चोरी हो गया, तो आप या आपका कोई टिकट हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, तो अनजाने शहर में ये सब चोरी हो गया तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, या आपकी कुछ डायरी हो जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग्स है, तो कोई नंबर्स है, आजकल तो खैर मोबाइल में होते हैं, लेकिन मोबाइल तो लेके जाना बाहर भूलिए मत, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी आप आपके पास में ही रखिए, नहीं तो जाने अनजाने कुछ चोरी हो गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, और आपकी अगर पुरुष है तो आपकी बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, या फ्रेंड्स हो, फीमेल फ्रेंड्स, वो भी ऐसे अकेले प्रवास करके होटलों में अकेले उनको जिंदगी में कभी ना कभी रुकना पड़ता है, तो आप यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से शेयर करें ताकि सुरक्षितता का हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में हम ज्यादा अवेयर नहीं है, हमको ये सब चीजें जान के लेने का भी हमको आलस आता है, कंटाला आता है, हमको इजरायलीज
अमेरिकन्स यूरोपियन से कुछ सीखना चाहिए और सेफ्टी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं रुकता हूँ दोस्तों वीडियो।